राम राम किसान भाइयों, मैं सोनू जामलिया आज आपको बताने जा रहा हूँ साजापुर मंडी प्याज की आव के। किसान भाइयों, अगर आज तारीख की बात करें तो 17 अक्टूबर वार मंगलवार है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं आज की साजापुर मंडी प्याज की आव के। किसान भाइयों, किसान भाइयों, यह आवक जो आप देख रहे हो सुंदरलाल जी के फड़के देखने को मिल रही है, बहुत कम आवक देखने को मिल रही है और इधर भी कुछ भी आवक नहीं देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो और यहाँ पर भी फड़ खाली देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये काले भाई एंड सन्स पे कुछ आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये वेदांत की आवक। किसान भाइयों, आप देख सकते हो खाली खाली देखने को मिल रही है फड़ खाली खाली देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यह आवक भारत आलू भंडार उमिया की देखने को मिल रही है और उधर नर्मदा इंटरप्राइज की आवक देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप, यह आवक वेदांत की देखने को मिल रही है। देख सकते हो थोड़ी बहुत आवक है, ज़्यादा आवक नहीं देखने को मिल रही है। ये इस प्रकार की मंडी पूरी लगभग लगभग खाली ही देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये इस प्रकार की आवक है मंडी में, ये श्री राम आलू भंडार की आवक। किसान भाइयों, यह जो आवक है ये गुरु कृपा की और साथ में किसान आलू भंडार की देखने को मिल रही है। इसमें से कुछ बैलेंस माल भी है। किसान भाइयों, सारी आवक नहीं है, ये बैलेंस माल भी देखने को मिल रहा है कुछ। किसान भाइयों, ये आवक देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो बहुत ही कम आवक देखने को मिल रही है। कल से आवक कम देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो। किसान भाइयों, कल और आज में डिफरेंस की बात करें तो 4 से 5 हज़ार कट्टे आज कम आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आज कुल टोटल आवक लगभग लगभग होगी 8 से 10 हज़ार कट्टे समथिंग। आप देख सकते हो इस प्रकार का ये आवक है, कुछ भी मंडी में आवक नहीं देखने को मिल रही है।